हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे आव्यूह कक्षा 12, तो वहाँ पर हम प्रश्नावली 3.2 को पढ़ रहे थे। 3.2 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम 3.2 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज का लिंक आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, निम्न के मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर इनका मान निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे 6 क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सबसे पहला वाला लेते हैं हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए बी माइनस बी ए, ए माइनस बी बी ए। तो यहाँ पर क्या है, दो हमारे आव्यूहों का गुणा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें गुणा कैसे करते हैं, ऐड में तो सिंपली ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें गुणा करने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे गुणा होगा देखिए, यहाँ पर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस वाली रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, उस कॉलम में, ठीक है। देखिए ये रो है ए बी, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ए बी, तो ए का मल्टीप्लाई ए से प्लस बी का मल्टीप्लाई बी से, ओके। यानी कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से सेपरेट सेपरेट, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये ए है, ये माइनस बी है, तो ए इंटू माइनस बी प्लस, फिर ये बी है, ये क्या है, ए है, बी इंटू ए, ओके। यानी कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये ए बी ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया, तो अब नीचे वाली रो माइनस बी और ए है, तो ये जाएगा ऐसे, तो माइनस बी इसके साथ जाएगा, ये ए जाएगा इस बी के साथ, ठीक है। तो माइनस बी इंटू ए प्लस, ठीक है, बाद में प्लस लगाना है। फिर ये इसके साथ चला गया, तो ये जाएगा इसके साथ, ये ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी। उसके बाद ये अब इस कॉलम के साथ हो गया, तो इस कॉलम के साथ जाएगी ये रो, तो ये जाएगा माइनस बी और ये माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस। उसके बाद ये ए जाएगा इस ए के साथ, ठीक है, सिंपल इस तरीके से होने वाला है। यानी कि करना क्या है, ये पहले रो उठानी है, दोनों कॉलम में ले जाना है जितने भी कॉलम हैं, उसके बाद दूसरी रो उठानी है, फिर इसे सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सिंपल करते हैं। ए का ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी का बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए इंटू ए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई ए बी होगा, और ये प्लस बी इंटू ए, यानी कि बी ए, बी ए लिखो या फिर ए बी लिखो, बात सेम ही, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, बी ए होगा ना, इसको ए बी लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस बी ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना, हाँ। ये देखिए a इंटू बी, यानी कि प्लस के ए बी, और ये देखिए माइनस बी यानी कि b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस a इंटू ए, ए का स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का ab है, ये प्लस का ab है, घट जाएगा, ये माइनस का ab, ये प्लस का ab, घट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला इधर क्या बचेगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि घट गए। यहाँ पर देखिए बचेगा जीरो, क्योंकि ये घट गया, ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो और समझ में आएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहां पर देखिए रो कितनी है, एक दो तीन कॉलम, एक दो तीन, तीन कॉलम तीन रो है, ठीक है। यानी m बराबर n, इसका m इसका n बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 1 2 3 है, 2 3 4 है, तो यहां पर रो उठानी है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली रो उठाया, पहली रो क्या है आपका 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 ही आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 ही आएगा। ये वाली रो खत्म हो गई। अब दूसरी रो क्या है, 2 है ये वाली रो, फिर ये तीसरी रो है,
दूसरी रो टू है, टू का मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, फिर इस टू का मल्टीप्लाई इससे दो तिया छः, इस टू का मल्टीप्लाई इससे दो चौके आठ, ठीक है। अभी कौन सी रो बची है, अभी ये वाली रो बची है लास्ट वाली, इस थ्री का मल्टीप्लाई इससे तीन दूनी छः, इसका मल्टीप्लाई इससे तीन तिरक्के नौ, इसका मल्टीप्लाई इससे तीन चौके बारह, बस आंसर हो गया, ठीक है। रो उठानी है, कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रो में एक ही एलिमेंट है, जैसे इसमें क्या था दो दो एलिमेंट थे तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा रहे थे, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन थर्ड, ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या देखें, आपका देखना है यहां पर रो वन माइनस टू, ये एक रो है, दूसरी रो ये है, इस रो को उठाना है सबके कॉलम में मल्टीप्लाई। तो पहली रो क्या है आपकी वन माइनस टू, और ये पहले इसमें जाएगा वन टू में, फिर टू थ्री में, फिर थ्री वन में, समझ में आया। तो चलिए करते हैं इसको, तो वन का मल्टीप्लाई इस वन से तो वन इंटू वन, प्लस इस माइनस टू का इस टू से तो दो दूनी चार, माइनस के चार, तो प्लस माइनस 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 के चार, ओके। उसके बाद देखिए ये इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो वन का मल्टीप्लाई टू से तो टू, प्लस इस माइनस टू का मल्टीप्लाई इस थ्री से तो दो तीन छः, माइनस का छः, तो ये प्लस माइनस 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 का क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। अब इस वन टू का मल्टीप्लाई इस वाले से करना है, तो वन का मल्टीप्लाई थ्री से जाएगा तो थ्री रहेगा, प्लस इस माइनस टू का मल्टीप्लाई इससे जाएगा तो वन से जाएगा तो माइनस टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के टू, ओके। अब ये पहली रो खत्म हो गई, अब दूसरी रो है, दूसरी रो क्या है टू थ्री, तो टू थ्री का मल्टीप्लाई इस वन टू से करेंगे पहले, तो टू का मल्टीप्लाई वन से तो टू ही रहेगा, प्लस इस थ्री का मल्टीप्लाई टू से सिक्स, ओके। अब ये वाला इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में टू थ्री वाले में, तो ये टू जाएगा इस टू के साथ तो फोर हो जाएगा, प्लस ये थ्री जाएगा इस थ्री के साथ तो नाइन हो जाएगा। ये वाली रो आपका कॉलम खत्म हो गया, लास्ट वाला कॉलम क्या है थ्री वन, ये अभी रो चल रही है टू थ्री, तो टू का मल्टीप्लाई इस थ्री से जाएगा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, ये थ्री वन जा थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, आप देखिए इसको सिंपल कर लेंगे तो वन इंटू वन वन माइनस फोर, टू माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस का फोर, थ्री माइनस टू वन, टू सिक्स एट, फोर प्लस नाइन थर्टीन, सिक्स थ्री नाइन, और इसको सिंपल कीजिए, वन माइनस थ्री माइनस का थ्री बचेगा, ये माइनस का फोर, ये वन, ये एट, ये थर्टीन, ये नाइन, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, यहाँ पर आप दे सकते हैं ये थ्री क्रॉस थ्री दोनों है, यानी कि इसमें भी तीन रो तीन कॉलम, इसमें भी तीन रो तीन कॉलम है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बीच में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, पहले रो उठाना है, फिर सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके। तो पहली रो क्या है टू थ्री फोर, ये पहला वन जीरो थ्री कॉलम है, तो देखो संगत अवयव को मल्टीप्लाई, देखो ये टू जाएगा इसके साथ, ये थ्री जाएगा जीरो के साथ, फोर जाएगा इस थ्री के साथ, फिर उसके बाद सबको ऐड करके यहाँ पर लिखना मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो टू जाएगा ये वन के साथ, टू ही रहेगा, प्लस लगाओ, ये थ्री जाएगा जीरो के साथ, तो जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे, प्लस ये फोर जाएगा इस थ्री के साथ, तो चार थी बारह, ओके। ये वाला कॉलम खत्म, तो इसी वाले को उठाओ, दूसरे वाले कॉलम लिखो, तो दो दो इंटू माइनस का थ्री, दो तीन छः, माइनस का छः, ठीक है। फिर ये दो, ये तीन जाएगा किसके साथ, इस दो के साथ, ये वाले कॉलम में ना, तो तीन दूनी छः, प्लस का छः। अब ये चार जाएगा इस जीरो के साथ, तो जीरो, चार इंटू जीरो जीरो होता है, दूसरा कॉलम हो गया। अब तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में जाएगा दो जाएगा इस पाँच के साथ, दो पंची दस, प्लस ये तीन जाएगा चार के साथ तो बारह, तीन चौके बारह, ये चार जाएगा पाँच, पाँच के साथ चार पंचे बीस, कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा, दो पंची दस, तीन चौके बारह, चार पंचे बीस, ठीक है। ये पहली रो खत्म, अब दूसरी रो उठाना है थ्री फोर फाइव, तो थ्री फोर फाइव का मल्टीप्लाई इससे, तो थ्री का मल्टीप्लाई वन से तो थ्री रहेगा, प्लस इस फोर, देखिए ये वाला हो गया ना, अब ये वाला फोर, फोर का मल्टीप्लाई इस वाले जीरो से, तो फोर इंटू जीरो कितना हो जाएगा जीरो, प्लस ये फाइव है ये थ्री है, पाँच या पंद्रह,
समझ में आ रहा है ना, इसको उठाना है ऐसे रखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम में जाते हैं 3, 4, 5 का इससे, तो 3 ये माइनस का 3, तो 3 तरह के 9 माइनस के प्लस लगाओ, 4 और 2 6, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 5 और 0 0, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। लास्ट वाले में जाएंगे 3, 5 3 5 15 प्लस 4 और 4 16 हो जाएगा, 4 6 16 4 और 5 50 25, ठीक है। लास्ट वाला जो है 4 5 6 मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, ये लास्ट रो है 4 5 6, इसमें करेंगे 4 जाएगा ऊपर तो 4 1 4 प्लस ये 5 जाएगा 0 के साथ 0, ये 6 जाएगा 3 के साथ 6 3 18। अब इसको दूसरे कॉलम में करना है, तो ये 4 जाएगा माइनस के 3 के साथ, तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस का, ये 5 जाएगा 2 के साथ तो 5 2 10, 6 जाएगा 0 के साथ तो 0, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा 4 जाएगा 5 के साथ, क्योंकि ये जाएगा ना इसमें, इस वाले कॉलम में, लास्ट वाले में, 4 5 20 प्लस, ठीक है, 5 जाएगा 4 के साथ, 5 4 20, ठीक है। लास्ट क्या, 6 जाएगा 5 के साथ, 6 5 30, ओके। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो 12 और ये 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 6 6 घट जाएगा और ये 0 बचेगा यहाँ पर, और ये 20 10 30 40 42 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 3 18 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर -9 + 8 माइनस के 1 बचेगा, और ये आपका कितना है 25 5 30 10 40 10 50 56 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 18 4 22 हो जाएगा, ये हमारा -12 और 10 तो माइनस का 2 बचेगा, ये 20 20 40 40 और 30 70, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर ये आने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल, बहुत ही इजी है। पहले रो को उठाना है, पहली रो क्या है 2 1, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, तो जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से तो माइनस का 1 तो प्लस माइनस माइनस, ओके। इस 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2, इस 2 ये हमारा 2 1 है, 2 का मल्टीप्लाई इससे 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। ये 3 2, दूसरी रो उठाना है, 3 2, 3 का मल्टीप्लाई इससे तो 3, 2 का मल्टीप्लाई -2, इसका मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से 4। अब ये वाला आपको इस पर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2। अब लास्ट वाला -1 का मल्टीप्लाई इस 1 से तो -1 1 - 1, ठीक है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई इस माइनस से तो -1, -1 का 0 से 0, 1 का 2 से तो 2 ही रहेगा, फिर 1 का इस -1 का इस -1 से तो -1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस 1 से तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 0 + 2 2 रहेगा, 2 + 3 ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 - 2 बचेगा 1, 0 + 4 4 बचेगा, 3 + 2 5 बचेगा, ये माइनस 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 का 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये आपका 0 बचेगा, ये घट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 1 4 5 - 2 2 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 - 1 3 - 1 0 2 2 - 3 1 0 3 1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इसके रो उठानी है, रो क्या है 3 - 1 3 और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 का 2 से 6 हो जाएगा, -1 का 1 से तो -1 हो जाएगा, -3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में, 3 का मल्टीप्लाई -3 से 3 तरह की 9, -1 का 0 से तो 0, 3 का इस 1 से 3। उसके बाद दूसरी रो उठानी है, -1 का 2 से तो -2, इस 0 को 1 से तो 0 मल्टीप्लाई करना, इस 2 का 3 से 6, ठीक है।
उसके बाद इसको दूसरे वाले कॉलम में, तो माइनस वन का माइनस थ्री से तो थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, जीरो का जीरो से तो जीरो, टू का टू वन से तो टू, टू वन जा टू। आप इसको सिंपल कर लो, छः माइनस वन कितना हो जाएगा फाइव, फाइव और नाइन कितना हो जाएगा चौदह, ठीक है, और ये माइनस नाइन और ये थ्री तो कितना बचेगा माइनस का सिक्स, ये आपका माइनस का टू प्लस का सिक्स फोर, थ्री और ये टू फाइव, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, यदि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, तो a प्लस बी बी माइनस सी परिकलित कीजिए तथा साथ ही सत्यापित कीजिए a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो इसको आपको सत्यापित करना है, साथ में a प्लस बी और b माइनस सी की वैल्यू भी निकालना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, तो a प्लस बी, तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल देते हैं, a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है, वन टू माइनस थ्री फाइव जीरो टू वन माइनस वन वन, प्लस b की वैल्यू क्या है, थ्री माइनस वन टू फोर टू फाइव टू जीरो थ्री, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है, तो वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा फोर, टू प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस वन, तो टू माइनस वन बचेगा वन, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस वन, फाइव प्लस फोर नाइन, जीरो प्लस टू टू, टू प्लस फाइव सेवन, वन प्लस टू थ्री, माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन, वन प्लस थ्री फोर, ठीक है। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है b माइनस सी, अब हमको b माइनस सी निकालना है, तो b की वैल्यू क्या है, थ्री फोर टू माइनस वन टू जीरो टू फाइव थ्री, माइनस c की वैल्यू ये रही फोर वन टू जीरो थ्री टू वन माइनस टू और थ्री, टू टू थ्री, ठीक है। इसको आपस में क्या करना है, माइनस करना है, तो थ्री माइनस फोर, तो माइनस फोर, तो माइनस फोर बड़ा है तो माइनस वन बचेगा, माइनस वन माइनस वन, ठीक है, देखिए माइनस वन माइनस ये वन, तो माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस के टू, टू माइनस टू जीरो, फोर माइनस जीरो फोर, टू माइनस थ्री माइनस वन, फाइव माइनस टू थ्री, टू माइनस वन वन, जीरो माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस टू, तो जीरो प्लस टू टू, थ्री माइनस थ्री जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया b माइनस सी। अब हमको क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस, अब हमको क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ये आपको सत्यापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन मानेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप पुट कीजिए वैल्यू, तो एक वैल्यू क्या है, ये रही वन फाइव वन टू जीरो माइनस वन माइनस थ्री टू वन, प्लस बी माइनस सी, अभी देखिए हमने निकाला, देखिए बी माइनस सी की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही अभी निकाला है ना, तो माइनस वन माइनस टू जीरो फोर माइनस वन थ्री वन टू जीरो, ओके, इसको हम निकालते हैं पहले, ठीक है, ऐड करना है, तो वन प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, टू प्लस माइनस, तो ये टू प्लस का है, ये माइनस का टू है तो जीरो, माइनस थ्री प्लस जीरो तो माइनस थ्री, फाइव प्लस फोर नाइन, जीरो प्लस माइनस माइनस तो जीरो माइनस वन तो माइनस वन, टू प्लस थ्री फाइव, संगत अवयव को ऐड करना है, वन प्लस वन वन सॉरी टू, माइनस वन प्लस टू तो माइनस वन प्लस टू तो वन बचेगा, वन प्लस जीरो वन, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर मान लेते हैं
वन आया, ठीक है। ये a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू, अब हमको क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू कहाँ है, ये रही 4, 1 माइनस 1 9, 2, 7, 3 माइनस 1 4, माइनस सी, सी की वैल्यू कहाँ है, ये रही 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, माइनस 2, 3, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे, इसको आपस में माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0, देखिए 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 ये देखिए माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 ये देखिए माइनस 1 से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 1 प्लस 2 1, 4 माइनस 3 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये रही और a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये रही, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, तो सत्यापित हमने कर दिया है, ठीक है। अतः समीकरण जो एक है बराबर है दो के, ठीक है, तो ये हमारा सत्यापित हुआ, क्या हो गया, सत्यापित हुआ, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर दिया है b बराबर दिया है तो 3a माइनस b निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 3a निकालना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमको 3a माइनस 5b निकालना है, ठीक है, तो 3a, ओके, तो a की वैल्यू क्या है, ये रही 2 3 1 3 7 बटे 3, ठीक है, 1 2 बाई 3 2 5 बाई 3 4 बाई 3 2 बाई 3, ठीक है, ओके, हमको क्या निकालना है, 3a निकालना है। अब देखिए ये जो a है, यहाँ पर देखिए a में 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का सबसे मल्टीप्लाई, ये 3 है मल्टीप्लाई में, राइट, यानी कि 3a बराबर 3 और ये मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट किया है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 बटे 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3 का, और यहाँ पर 1 इंटू 3 का, यहाँ पर सब में 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, सब में 3 का मल्टीप्लाई करना है, देखिए 1 बाई 3 है, यहाँ पर देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई, 2 बाई 3 है, 4 बाई 3 है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 7 बाई 3 है, यहाँ भी इस 3 का मल्टीप्लाई, ये 2 है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, ये 2 है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें सब में क्या करना है, जितने भी अवयव दिए हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये से ये, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ओके, तो क्या बचेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7, ओके, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 6, 2 3 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, तो ये जो 3a आया है ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या निकाला, माइनस 5b, तो पहले 5b निकाल लेते हैं, 5b, तो ये 5 और b की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू क्या है, 2 5 1 5 7 5, ओके, और क्या है 3 5 2 5 6 5 1 4 5 2 5, ये हमारा है ना, तो ये जो 5 है तो 5 का सब में मल्टीप्लाई, 5 का क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए ये है 2 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई ना, ये 3 5 इंटू 5, तो 1 इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई सब में, तो 1 बाई 5 इंटू 5, ये 2 बाई 5 इंटू 5,
फोर बाई फाइव इंटू फाइव और यह है सेवन बाई फाइव फाइव, यानी कि फाइव को मल्टीप्लाई सब में सिक्स बाई फाइव इंटू फाइव टू बाई फाइव इंटू फाइव। ओके अब देखिए ये फाइव कटा, 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 ये फाइव कटा। ओके क्या बचेगा, क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा टू, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा सेवन, यहाँ बचा थ्री, यहाँ बचा टू, यहाँ बचा सिक्स, यहाँ बचा फाइव, यहाँ बचा फोर, ये बचा टू। ठीक है, जो हमारा फाइव बी की वैल्यू ये आई है। ठीक है, अब क्या निकालना है, थ्री ए माइनस फाइव बी। ठीक है, थ्री ए माइनस फाइव बी, तो ऊपर का मैं मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर थ्री ए माइनस फाइव बी निकालना है, तो थ्री ए की वैल्यू देखिए ये आ गई है हमारी, क्या आई है वैल्यू, टू थ्री फाइव वन टू फोर सेवन सिक्स टू, ये थ्री ए हो गया, माइनस फाइव बी, फाइव बी की वैल्यू ये देखो आई है टू थ्री फाइव वन टू फोर सेवन सिक्स टू। ठीक है, ये आपका आ गया है। ओके हाँ, आप क्या करना, देखिए थ्री ए माइनस फाइव बी इनको आपस में माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए टू माइनस टू कितना, जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये घट रहे हैं आपस में, देखिए सेम सेम है दोनों, सब क्या है, सब सेम सेम है, तो सब में क्या आ जाएगा, जीरो। देख लीजिए सेवन माइनस सेवन जीरो, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, है ना, सब चीज जीरो आ रहा है। ठीक है, तो जीरो जीरो ये क्या बन गया, ये शून्य आवयु, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, शून्य आवयु की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर फाइव तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।